कटेंगे पर मेरे, पर फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कब तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जबाज बोलेगी। तो यार फिजिक्स तो सबकी वीक होती है, मेरी भी वीक थी और मैं समझ सकती हूँ आपकी भी थोड़ी वीक ही होगी। तो वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और जिनको लग रहा है कि फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक सकता है, तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि वो चैप्टर नहीं पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ो जो ईजी है और स्कोरिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पहले मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगी जो सच में बहुत ईजी है और बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि एक आधा क्वेश्चन आएगा क्यों पढ़ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अगर आप दो तीन फॉर्मूले पढ़ के अगर आप दो क्वेश्चन सही कर रहे हो तो इसमें क्या बुराई है। तो पहले तो ऐसे टॉपिक आपको कवर करने चाहिए ना। तो सबसे पहले चैप्टर है ईएम वेव, जिससे हर साल दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आता है, आप लिख लो ये। तो आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, चैप्टर्स नोट कर लो जो इजी इजी हैं। सेकंड चैप्टर है ईएमआई, इससे भी हर साल दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद है एसी, एसी में वो दो तीन फॉर्मूले हैं, उससे हर साल दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मतलब आपको फ्री के नंबर मिलेंगे इसके। अगर आप दो तीन फॉर्मूले पढ़ लेते हो ना तो आपको ये दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, ग्रेविटेशन से भी एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। और इनमें आप अगर देखोगे ना तो बहुत कम फॉर्मुलेज हैं। और अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो, जैसे सोच लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ते हो तो ग्रेविटेशन आपका समझ लो हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे हर साल चार क्वेश्चन आते हैं। आपको पता ही है उस पर भी दो तीन फॉर्मूले हैं वही। आप पीवाईक्यूज भी अगर आप देखते हो ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी आपको पता है, वो लॉजिक गेट पढ़ने हैं, रेक्टिफायर पढ़ने हैं, बस ये दो तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और पीवाईक्यूज पढ़ोगे ना तो पीवाईक्यूज के सेम क्वेश्चन उठा के इसके आते हैं, तो आप एक बार ये कर लेना। इससे इस बार तीन क्वेश्चन आए थे और इससे हर साल तीन चार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई हो गया, ड्यूल नेचर हो गया, ये सारे चैप्टर हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जैसा टॉपिक हमें पहले पढ़ना चाहिए, जबकि नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि रे ऑप्टिक्स में आप इतना पढ़ोगे तब उसमें इतना आएगा, ये भी बहुत ज्यादा है कि इतना आएगा। मैं मना नहीं कर रही कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन इतना पढ़ने पे इतना आएगा, तो फर्क समझ रहे हो ना। तो इससे पहले आप पढ़ो न्यूक्लियाई हो गया या फिर ड्यूल नेचर हो गया। जैसे न्यूक्लियाई से हर साल तीन क्वेश्चन आते आते हैं, दो तीन क्वेश्चन हर साल आते हैं। ड्यूल नेचर से भी दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप ड्यूल नेचर देखोगे ना, मुश्किल से दो या तीन फॉर्मूले होंगे, बस चैप्टर उसी फॉर्मूले में खत्म हो जाता है। बस आपको थोड़ी सी पता है बाद में प्रैक्टिस करनी होती है, मैं उसका ही बताऊंगी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं थोड़े से हार्ड चैप्टर्स की तरफ, जैसे वर्क एनर्जी पावर है, जिससे हर साल तीन क्वेश्चन आते आते हैं। देखो जो एलओएम है ना, उससे पहले क्वेश्चन आते थे, तीन दो क्वेश्चन आते रहते थे, लेकिन आपको बता दूं लास्ट टाइम उसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ, तो एलओएम को थोड़ा इग्नोर कर दो बिल्कुल। तो वर्क एनर्जी पावर कर लो, उसमें से तीन क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिखने में बहुत बड़ा चैप्टर लगता है लेकिन आप जब फॉर्मूले उसके लिखना स्टार्ट करोगे ना तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, इससे क्वेश्चन भी लाइक तीन चार हमेशा पूछ जाते हैं, पिछली बार इसे चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आता है हमारा रे ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स में दो आते हैं, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स इजी पड़ता है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और रे ऑप्टिक्स से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। बाद आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म उसे इजी पड़ता है लेकिन उससे एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से पूछ जाता है, इस बार तो शायद एक भी नहीं पूछा गया था उसे। ये वो चैप्टर हैं जिनको पढ़ के आपका एक डिसेंट सा स्कोर आ सकता है कि हाँ आपका सिलेक्शन नहीं रुके। बाकी इन टॉपिक्स के आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो आप पीवाईक्यू से करो और मॉक टेस्ट में देखा करो कि हाँ इन टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होकर आते हैं। मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे बहुत सारे, क्योंकि यार वो देने हैं, आप लास्ट में आके मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर मेरा खुद का बताऊं तो मैंने खुद लास्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तब जाके मेरे थोड़े अच्छे से नंबर आए थे। तो आपकी नीट 2023 की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जिसके अंडर आप 30 अप्रैल तक हर संडे को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 2 से 5 का स्लॉट है जो कि नीट का स्लॉट होता है, आपको पता है। तो ये टेस्ट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट अनअकैडमी के जो 9 ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनमें कंडक्ट किया जाएगा। इन मॉक टेस्ट को देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कैसी हो रखी है। ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है ना, उसी पैटर्न पे ये बेस्ड होंगे। एग्जाम की टाइमिंग जो है वो 2 से 5 की है, 3 घंटे, मतलब आपको सिखाएगा कि हाँ आपको नेट के एग्जाम में कैसे 3 घंटे वहां पे टिक के बैठना है, कैसे पूरा पेपर सोल्व करना है, तो ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छा खासा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर मॉक टेस्ट में जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको 14K तक का गिफ्ट वाउचर रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा, और हर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको रैंक प्रिडिक्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आ रही है। तो अगला जो मॉक टेस्ट है वो 9 अप्रैल को है, और किसी का किसी भी रीजन से कोई टेस्ट छूट जाता है तो वो भी आप प्रीवियस वाले दे सकते हो। तो आने वाले मॉक टेस्ट को लाइव अटेम्प्ट करना ताकि आपको कॉम्पिटिशन का पता चले और जो
रिवॉर्ड्स हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो सको। तो अनअकैडमी की ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। शिवानी27 कोड यूज करो और एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक करो और हर संडे को 2 से 5 टेस्ट दो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है मैंने भी मेरे टाइम पे टेस्ट दिया था अपनी ऑल इंडिया की रैंक देखने के लिए। तो यार टेस्ट देते रहना चाहिए, जितने भी जहां से भी मॉक आपको मिले वो देते रहो, क्योंकि पता है जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कहां से करोगे, क्योंकि इस टाइम पे आकर आपको बुक तो बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करूंगी मैं कि आप बुक से करो किसी से। आपको क्या करना है, आपको इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन जो है PYQs के करने हैं और मॉक टेस्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते जाए तब आप देखते जाओ कि हाँ इन पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी टॉपिक आपको इसमें नहीं आता है उसका वन शॉट वीडियो देखो। और एक और चीज की कुछ बच्चे होते हैं जो मेरी तरह जिनको फिजिक्स के क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ के आपको डर लगेगा, वो मुझे भी लगता था, वो आपको भी लगेगा, लेकिन फिर भी आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई करना, क्योंकि मैंने ये चीज पहले ऑलरेडी बच्चों को बता चुकी हूं और मुझे इतने अच्छे रिव्यू मिले हैं कि सच में ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने खुद किया है यार। मेरी खुद इतनी वीक थी, मेरे खुद हमेशा 20-30 नंबर आते थे और इस बार मेरे नेट में जो है 100 नंबर आए थे, वो भी तब आए थे जब मेरा फिजिक्स का पेपर छूट गया था काफी, उसके बाद मेरे 100 मार्क्स आए थे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते टाइम जितने भी वैल्यूज आपके आती है ना वो नोट डाउन करते रहो। नोट डाउन इन द सेंस वैसे नहीं कि सब्जेक्टिव की तरह आप नोट डाउन कर ले करने लग गए, छोटे छोटे से वी की वैल्यू इज इक्वल्स टू, यू की वैल्यू इज इक्वल्स टू। अब वैल्यू लिखने के बाद फिर आप चेक करो कि समझ लो आपको जैसे वेलोसिटी निकालनी है, वी निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखो उसके कि कितने फॉर्मूले होते हैं वी वेलोसिटी निकालने के, फिर देखो कि वेलोसिटी, फिर टिक करते रहो कि हाँ कौन से फॉर्मूले में सारी वैल्यूज फिट हो रही है, और फिर देखना चुटकी में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हमें लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कितना बड़ा फॉर्मूला यूज होता होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, फॉर्मूले वही है चिंगू पुंगू से, उन्हीं में ही सारी चीजें यूज होनी है आपके। तो एक बार देखना डिजिट्स आप जो नोट करोगे ना, वैल्यूज आप नोट करोगे ना, तो अपने आप आपको फॉर्मूला धीरे धीरे याद आ जाएगा। और सुनने में अभी ये प्रोसेस काफी बड़ा लग रहा है कि दीदी इतनी देर में इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है कि आप अभी से अगर आप 20 दिन ये चीज प्रैक्टिस करते हो तो नीट एग्जाम में तो बिल्कुल वैल्यूज लिखते आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बस ऐसे ही करो और सच में ये चीज वर्क करती है, मैंने खुद करी है, एक बार मेरे कहने पे जरूर ये चीज करना। फिजिक्स में जितने मैंने आपको ये चैप्टर्स बताए हैं इनको तो स्टार मार्क कर लो कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैंने काफी एनालाइज करने के बाद आपको ये चैप्टर्स बताए हैं, पूरा PYQs वगैरह देख के फिर बताई है मैंने आपको कि हर साल कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आजकल किन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछते। रोटेशनल वाला चैप्टर हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 हमेशा, लेकिन वो चैप्टर इतना बड़ा है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप इस टाइम पे आके जब आपको एग्जाम को वही 25-30 दिन बच रहे हैं, कभी आपको नहीं कहूंगी कि आप इतने हार्ड चैप्टरों की तरफ आप भागो। तो यार अभी भी एक ही महीना बचा है, एक महीने में तो बिल्कुल ये चीजें नहीं हो पाएंगी, पॉसिबल नहीं है यार। अगर ऐसे पॉसिबल होता तो फिर सब बच्चे एक महीने में कर लेंगे ना, तो इतना ही पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सारा पढ़ने बैठ जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल भी सारी चीजों की तरफ भागना भी मत, मैं तो ये बोलूंगी आपको, जितना मिनिमम से मिनिमम आप कर सकते हो ना, जितना चीजें बता रहे हैं कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट वो पढ़ लो, काम आएंगी ये चीजें। जब आपका पेपर अच्छा होगा ना, जब फिर याद करोगे कि हाँ दीदी ने फिजिक्स के बारे में कुछ बताया था कि हाँ इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जब आप क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे लिख के, आपका सोल्व होने लगेगा जैसे मेरे होने लगे थे। जैसे पता है लास्ट ईयर पता क्या हुआ था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गई थी लाइक मॉक से और PYQs वगैरह से, तो मेरे से क्या था फिजिक्स से क्वेश्चन बनने लग गए थे। तो मेरे को ये हो गया था, फिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सच में, वो तो मेरा पेपर जो था थोड़ा छूट गया फिजिक्स का, इसलिए मेरे 100 नंबर आए, बहुत कम टाइम बच गया है, अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, अब तो पैनिक करने का भी टाइम नहीं बचा है, ऐसे बताऊं तो नहीं बचा है, क्योंकि अगर आपने उस पर भी टाइम वेस्ट कर दिया ना तो भी आप बच्चे आपसे आगे निकलते जाएंगे। तो किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझे बस एक सीट चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे, वो मैं अपने लिए ले लूंगा। और कमेंट्स में मुझे बता के जाना कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई और कैसा जुनून आपका चल रहा है, ये मुझे जरूर बता के जाना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।